बात करनी मैकेनिकल वेव्स, तो वो सब वेव जिनको चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सुनो, तो पहला क्लासिफिकेशन है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा क्लासिफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है वो सुनो। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जैसे कि बचपन में दो तीन बार आप लोगों ने और सुना होगा, तो ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिन वेव में जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं मतलब मान लो वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही, वेव अगर एक्स डायरेक्शन में और पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में आपके वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे, तो अगर पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस वेव को हम लोग करेंगे ट्रांसवर्स वेव। सिर्फ सुनने के हिसाब से, वैसे तो टॉपिक मैथमेटिकल है, मोर और लेस हम लोगों को वेव की इक्वेशन पे बात करें, बाकी जो बीच बीच की कहानी है परपेंडिकुलर क्या है ये सिर्फ सुनने के लिए थोड़ा आप लोग को आइडिया हो जाए ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, अगर वेव उधर जा रही, मान लो वेव राकेश की तरफ जा रही उस डायरेक्शन में, तो फिर जो पार्टिकल है वो सारे कैसे वाइब्रेट करना चाहिए परपेंडिकुलर वाइब्रेट करना चाहिए, तो वो कहलाएगी ट्रांसवर्स। ऐसी लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो जिधर वेव जा रही है अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही तो जो पार्टिकल है वो भी किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे सेम, तो सेम डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी ट्रांसवर्स। इसको देखना, उसके बाद वेव का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। सुनना बच्चों, एनर्जी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो एनर्जी के बेसिस पे फिर वेव का क्लासिफिकेशन दो प्रकार का है, एक होता है ट्रैवलिंग वेव को ही कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा होता है स्टेशनरी वेव को ही कहते हैं स्टैंडिंग वेव। अब क्लासिफिकेशन सुनना, लिखना मत, ये सिर्फ सुनने वाले। जैसे हमने बोला पहला क्लासिफिकेशन ये था, तो वेव का पहला क्लासिफिकेशन था मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ये किसके बेसिस पे था, बायोलॉजी में करते हो ना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। जैसे मैकेनिकल को मीडियम की जरूरत, मैकेनिकल को मीडियम की जरूरत होती है, तो वो मीडियम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन फिर ये, एक होती है ट्रैवलिंग वेव और एक होती है स्टैंडिंग वेव। लिखना नहीं, सिर्फ सुनना, तो ट्रैवलिंग वेव के नाम से समझ में आ रहा है, ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवलिंग वेव में कोई एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करनी होगी। हमने ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया, एनर्जी के बेसिस पे। तो ट्रैवलिंग वेव वो वेव है जो एनर्जी को वन प्लेस से कहां पर अदर प्लेस तक क्या करती है, ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, बचपन से आप लोगों को सिखाते हैं वेव मतलब पानी में पत्थर डाल दो, तो पानी में अगर एक पत्थर डाल दोगे तो क्या होगी, रिपल्स बनेगी, तो वो रिपल्स क्या करती है, वहीं खड़ी रहती क्या, वो रिपल्स क्या करती है एक जगह से कहां जाती है दूसरी जगह, तो वो जो रिपल्स है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती है, इसलिए उन वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैवलिंग। ऐसे दूसरे टाइप की, इसका नाम समझ में आ रहा है, स्टेशनरी स्टैंडिंग मतलब, स्टेशनरी मतलब वहीं, तो वो वेव जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं रहती तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी वेव में एनर्जी फ्लो नहीं होती। इसको देखो, तो ये हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन, पहले मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, एनर्जी के बेसिस पे हम लोग की ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो मोटा मोटा जो टॉपिक है वो इन दोनों पे, ऐसा पकड़ लो कि आधा टॉपिक इस पे और आधा टॉपिक आप लोगों का इस पे, भाई हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टेशनरी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रैवलिंग वेव से। तो देखो वेव का जो फंडामेंटल है वो भी समझ लो, वेव का जो फंडामेंटल है वो SHM, क्योंकि बुक में भी SHM वेव एक ही टॉपिक है मोटे मोटे तौर पे। तो अगर आप लोगों ने SHM बिल्कुल अटेंड नहीं किया तो मुझे लगता है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो SHM की इक्वेशन होती है वो सेम टू सेम आप लोगों की वेव की भी होती है। थोड़ा याद कर लो SHM की इक्वेशन क्या होती है,
y is equal to a sin omega t, a kya tha? Amplitude y kya tha? Displacement. Omega t plus phi bhi tha? Displacement ko differentiate kiya to yaad karo? Velocity mili thi, velocity ko differentiate kiya to? तो सेम टू सेम वेव की कहानी भी यही। तो जो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है वो ये होती है, लिख लो कॉपी में, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एस, इसको लिखो सेम टू सेम। बहुत सारी चीजें ऐसे हम जैसे ही तो जल्दी में कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एस, ये है हमारी क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अब इसमें क्या क्या जानना है सुनो, अब इसमें क्या क्या जानना है वो देख रहा हूं। अब इसमें हाँ भाई रजा बोल क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये हमारी है क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अब इसमें क्या क्या बातें जाननी है बच्चों ध्यान से देखना। जैसे कि किसी से भी बोलो वेव, तो सबसे पहले वेव से हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है, वेव मतलब ऐसे तरंग जो पानी में लहर बन के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली क्या है वेव। तो इसमें देखना कैसे ध्यान से देखना, सबसे पहले ध्यान से कोई भी वेव अगर है तो वो किसी डायरेक्शन में जा सकती है। डायरेक्शन में बच्चों कैसे जा सकती है, जैसे ये वेव है तो इधर जा रही, ये वेव है तो ये किस डायरेक्शन में जा रही, किस तरफ जा रही, मतलब कोई भी वेव है तो वो डायरेक्शन देखेंगे ना, एक्स में भी जा सकती है वेव, किस में जा सकती है, वाई में जा सकती है। तो कोई वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही ध्यान सुनना, वो कैसे बताएंगे यहाँ से, यहां से कि अगर यहां लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस केस, तो ये एक्स ये बता रहा है कि वो जो वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, मेरी बात समझे। दूसरे फिर एक्स में जाने के भी क्या तरीके हैं, इधर भी जा सकती है माइनस एक्स में और प्लस एक्स में भी जा सकती है। तो कोई वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ध्यान सुनना, वो कैसे बताते हैं, अगर बीच में नेगेटिव है क्या लिखा है ओमेगा टी माइनस केस, एक्स क्या बता रहा है डायरेक्शन, और बीच में अगर नेगेटिव ध्यान से देना उल्टा चलता है, अगर माइनस के एक्स मतलब वो बता रहे हैं कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो ये माइनस क्या बता रहा है कि दिस वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ऐसे देखो के, इस के को कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इस के को कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, ओमेगा क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कितना होता है 2π/T जो हम लोग पढ़ते थे, और ये जो a होता है ये क्या होता है, इसको लिखो फटाफट सब लोग, इसको लिखो फटाफट, कुछ छोटे छोटे बेसिक बात है। तो कोई भी वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है कैसे पहचानेंगे, x लिखा है कि y लिखा है, ऐसे ये भी बता देना ये वाली वेव देखिए इसको लिखो फटाफट। हाँ भाई, अब ऐसे कैसे पहचानेंगे, जैसे बच्चों मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये पहचान के बताओ, लेट अस टेक अ वेव गिवन बाय x इज इक्वल टू 10 sin 20 pi t प्लस सुनो 4 pi y, बताओ और सारी बात बताओ। अब ये वेव सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन जा रही, नेगेटिव y, कैसे देखेंगे यहां y लिखा है मतलब y डायरेक्शन, और उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, यहाँ लिखा है प्लस वाई मतलब ये किस में जा रही है नेगेटिव में। इस वेव की वेवलेंथ कितनी है, अब वो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला सुनो, ये क्या है ओमेगा टी प्लस ये क्या है बच्चों के वाई, तो हमेशा मतलब जो वेवलेंथ है वो मिलेगी के से, के को क्या बोल रहे हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 पाई, k को लिख दिया कितना 2 पाई बाय लैम्डा बराबर कितना 4 पाई, बोलो 1 सा कितना 2 सा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा हमारा 1/2 मतलब कितना 0.5 मीटर। इसको देखो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगी ओमेगा, तो ओमेगा कितना है 20 पाई, इसको क्या लिखते हैं और बताता हूँ क्या कहानी।
इसको लिख लो पहले, छोटा सा एग्जांपल, हल्का सा, इसको नोट किया। चलो साक्षी, तुम ऑनलाइन में आ गए, लिख लिया भाई? वैसे जल्दी मिला क्या? सुबह सो रहा था, तुम्हारा फोन आया जब मैं 8:30 तक सो रहा था, मैं बहुत दिन बाद सोने को मिल रहा था, चलो सो जाते हैं। चौहान सर का मैसेज तो आया था मेरे पास, पर मैंने उसको इतना नींद में, मेरे को लगा तुम्हारी क्लास बायोलॉजी चल रही होगी, पर तुम मुझे, तुम्हारा फोन चल गया था पता, पर उठाने में संकोच ये था कि मैं तुम ऐसा नहीं बोलते कि सर आ जाओगे लेने, मेरे को लगा सर नहीं आओगे, चौहान सर तुम्हारी 8 बजे से क्लास होगी, तुम बोलोगे सर अभी लेने आ जाओ, मैंने कहा अभी फोन आया नहीं, मयूर का फोन आया जस्ट बाद, तो बच्चों के मैसेज आए बहुत सारे, मैं समझ गया कुछ ना कुछ बात है भाई, इतना फोन लगा रहे हैं, देखिए भाई सभी ने चल देखा आज तक किसी बच्चे पे फोकस करते हुए, याद करो आप, यही मेरी खास बात है, 10-11 साल से मैं कभी ऐसा नहीं करता, आप याद करो किसी बच्चे पे अगर मैंने फोकस किया, किसी बच्चे पे फोकस किया, मयूर पे किया, कशिश पे किया, किसी के हिसाब से पढ़ाई में कभी नहीं पढ़ता, अपना तो एक ही स्टाइल है, आता होगा हो तो यही चलेगा। हाँ भाई देखना इसके बाद, देखना वेलोसिटी ऑफ अ वे एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, टीचिंग लाइफ में लोग टीचर से गलती करते थे बहुत बड़ी, लगभग मैंने हर टीचर के साथ देखा है, सब टीचर कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं, आप सबको देख लो कुछ फेवरेट होगा, वही फोकस करना, वो पहले प्रेफरेंस करते हैं, वो कभी नहीं करते, अरे आजकल क्या पता यार बीमारी हो गई, मैसेज देखने में बहुत डर लगता है, क्या पता हूँ थोड़ा अजीब सा फोबिया हो गया फोन उठाने में, व्हाट्सएप चेक करने में, थक गया मैं चेक कर करते हैं, चलो आज से जाओ इससे रिया करता हूँ, सबके मैसेज देखूंगा फिर से, अरे भाई पहले मैं सबके एक एक मैसेज 50-50 मैसेज रिप्लाई करता था, मैं पहले एक घंटे बैठ के अलग से वॉइस मैसेज सबके ये एक, फिर अगर बच्चे बहुत ज्यादा मैसेज करने लगते हैं, वो हर बात में मैसेज करते, भूख लग रही है क्या, कुछ मैसेज करना भूल गया, वो एक बजे रात में 2-2 बजे फोन करने लगे 11 वाले, 2-2 बजे सर 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 सॉरी सर, वो सर वो मैंने पोस्ट कर दिया सर, वो डिले, यार ये क्या बात, सुन ना तुम बदतमीजी कर रहे हो सर, इसमें लिखना वेलोसिटी ऑफ वे भी होती है, लिखना वेलोसिटी ऑफ वे और हेडिंग में लिखना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सबसे पहले लिखना वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू एफ इनटू लैम्डा, सुनो एफ इनटू लैम्डा, एफ को लिख दो ओमेगा अपॉन 2π और लैम्डा को लिख दो क्या 2π बाय k, सही लो साइड में ऐसे k इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा था और ओमेगा बराबर 2π f था, तो f को यहां से लिख दिया ओमेगा अपॉन 2π और लैम्डा को यहां से लिख दिया 2π बाय k, इसको सब लोग याद करो बचपन से पढ़ते हो, वैसे भी कोई भी वेव की अगर कैसी भी वेव हो, कोई भी वेव हो अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वो होती है फ्रीक्वेंसी इनटू उसकी वेवलेंथ, देखो सभी लोग फ्रीक्वेंसी को लिख दिया ओमेगा अपॉन 2π, लैम्डा को लिख दिया क्या यहां से 2π बाय k, 2π से 2π क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा ओमेगा बाय k, इसको लिखो फटाफट, सुनो वेव में दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन बस बोलेंगे, एक क्वेश्चन इक्वेशन पे से आएगा, इक्वेशन पे से आएगा तो बिल्कुल लड्डो पड़े 40-50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह, तो आप इसे वैल्यू रखना है, कंपेयर करना है, जैसे हम लोग एसएचएम में करते हैं, लिखिए तो ये हमारी है वेलोसिटी ऑफ वेव, अब थोड़ा कॉपीमेंट छोड़ के ध्यान समझना, थोड़ा सा कॉपीमेंट छोड़ के गहरी बात है, उसको देखो जब भी कोई वेव प्रोपोगेट करती, प्रोपोगेट मतलब चल, तो जब भी कोई वेव चलती है तो देखो वहां दो वेलोसिटीज होती है, गौर करना ध्यान से, अब वो दो वेलोसिटीज कैसे होती है, जैसे कि मैंने कहा अगर मैं वेव बोलता तो सबसे कॉमन एग्जांपल मुझे पानी का ही दिखता है, क्योंकि वो ऐसा एग्जांपल है वेव जिसको सबने देखा होता है, तो थोड़ा उसको फील करो, आपने बोला एक पानी का बड़ा स्विमिंग पूल है और उसमें आपने एक बड़ा सा पत्थर छोड़ दिया,
तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जैसे पत्थर छोड़ दोगे पानी में क्या होंगे, रिपल्स बनेंगे। तो वो देखो वो वेव कैसे ट्रांसमिट करेंगे, पत्थर छोड़ा अब देखो वो ऐसे करेंगे इस तरह से, लहर ऐसी बनती ना ऐसी, फिर इस तरह से वो लहर क्या होगी चलते जाएगी, छोटे होते होते वो क्या होंगे आगे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो दो वेलोसिटीज है, गौर करने वाले पर दो वेलोसिटी कौन सी, तो एक वेलोसिटी तो वो है जिससे वो रिपल्स आगे जाए और साथ साथ पानी के पार्टिकल ऊपर भी तो जा रहे हैं ऊपर नीचे ऐसा, तो ऐसे चल रहे ना इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से मतलब पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं और वो वेव भी क्या हो रही है आगे जा रही है। तो ये बहुत बेसिक है, मतलब कोई भी वेव में दो वेलोसिटी होती है, एक वो वेलोसिटी जिससे वेव आगे जाती है और एक वो वेलोसिटी जिससे पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करें। तो अगर मैं वेव बनाऊं तो देखो ऐसी होगी, वो इस तरह से होगी। तो जितनी वेलोसिटी से वो आगे जा रहे हैं उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या निकालते फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है, क्या कह रहे हैं, एफ इनटू लैम्डा या ओमेगा बाय। सो दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज ओमेगा बाय। बट जो दूसरी वेलोसिटी होती है वो ये होती है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, थोड़ी मैथमेटिकल गहरी बात है। तो आगे जाने वाले वेलोसिटी का बहुत आसान है, पर चूंकि ये पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट भी तो कर रहे हैं इस तरह से, तो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं उस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये वेव में दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ऑफ वेव और दूसरा क्या होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला तो हो गया, बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला ये होता है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू कितना, डिवाइड बाय डीएस। देखो इसको बहुत रेयर क्वेश्चन मिलेंगे इस पे से बहुत सारे मिलेंगे, बट पार्टिकल पे से मिलेंगे दो तीन क्वेश्चन। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना हो, लिख देना पी मतलब इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी कितनी है ओमेगा बाय के, और डीवाई बाय डीएस कहते हैं, इस डीवाई बाय डीएस को कहते हैं स्लोप, नेगेटिव फॉर्मूले से बनता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो। टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो ओमेगा भरा जाएगा, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस की भरा जाएगा ना, x के रिस्पेक्ट में करोगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस भरा है क्या, ये उसका माइनस है। हाँ लिखे सभी ने, हाँ लिख लो फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू दिस। और हमेशा कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चलना कि वेव आगे भी चलती है और ऊपर नीचे भी होती, तो इसलिए दो वेलोसिटी आ रही है। अब पार्टिकल पे से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन मिलेंगे वो बताता हूँ, लिखो सब लोग। इसमें लिखना क्यों, रिकॉर्डिंग चलो, बीच में से दिख रहा है कि आधा दिख रहा है, बोलो दिख रहा है प्रॉपर, अभी दिख रहा हूँ, यहाँ आधे भी इसको थोड़ा वो करो ना यार, दूर करो ना, क्यों पीछे रख देना, थोड़ा बहुत ज्यादा दिखना चाहिए, अभी रख दो बाद में, थोड़ा पीछे कर लो, क्या समस्या है, सुनो थोड़ी बेंच अभी तक करो, सुनो बेटा, अरे सुनो आपकी बैच में कर, तो आपकी बैच में कर लो, तो बीच में रख दो आप उसको, थोड़ा दूर रख दो आप, सही चलो। हाँ क्वेश्चन लिखना, द वेल द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, बाय इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई टी प्लस माइनस 4s, हो अब इसमें लिखना, सबसे पहले फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, find the velocity of a wave, हाँ उसके बाद देखना find the velocity of a particle, find the velocity of a particle at the coordinate
velocity of a particle at the coordinate 3, 4. At the coordinate 3, 4, and also find the direction of vibration of particle, and also find the direction of vibration of particle. सही एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं. बस लोग ऊपर देखो, हां यहां से हम लोग को क्या क्या सीखना है इसको देखना है. सबसे पहले ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन. इसके लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2π. अब इसमें थोड़ा चेंज क्यों किया? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा. नॉर्मली क्या होता है, ये 2π को इग्नोर कर देते हैं. हमारे पास इक्वेशन क्या है? y is equal to a sin omega t minus x. तो ये नहीं चलेगा ना, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों, तो वो इक्वेशन मिलेगी y is equal to 10 sin, यहाँ इसको अकेला बनाओ, तो 2pi t minus 4 to the 8pi x. अब ये बन गई बच्चों हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब यहाँ से क्या क्या सीखा? सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में जा रही? पॉजिटिव x. कैसे देखा? x है मतलब x, और नेगेटिव का उल्टा चलता है, मतलब ये वेव जा रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में. वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी है? 2 होती ना, एक आगे जाने वाली और एक ऊपर उछलने वाली, तो वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब आगे जाने वाली. तो आगे जाने वाली क्या होती है? ओमेगा बाय k. बोलो ओमेगा कितना है? 2π. और k कितना है? 8π. तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 मीटर पर सेकंड. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको देख लिया, और सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं है, उसको ध्यान से देखो. अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है, सुनो बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो ध्यान से देखो. तो अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है. ध्यान से देखो, और पार्टिकल की वेलोसिटी कब किस पॉइंट पे बतानी है? पार्टिकल की वेलोसिटी किस पॉइंट बतानी है? एट अ पॉइंट 4, 3. एक ऊपर देखो, ऊपर देखो. अब इसका फोटो कैसे बनेगा? देखो बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. आपने यहाँ से देख के क्या बोला कि चौकी ओमेगा t माइनस के एक्स है, तो आपने यहाँ से देख के क्या बोला? माइनस के एक्स मतलब किधर जा रही? पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो अब देखो पॉजिटिव x डायरेक्शन जा रही, तो वेव ऐसी बनाऊंगा क्या? एक बार यहाँ से देखो, ऐसी ये पॉजिटिव x डायरेक्शन जा रही, मतलब वेव इधर जाएगी, तो ये क्या हो गया? प्लस x. ये वाला पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन. अब बताओ हमें किस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी, जो कहाँ बैठा है? फोटो दिया होगा, फिर बोल रहा हूँ ये पार्टिकल है. तो इस पार्टिकल की पोजीशन कितनी दी हुई है? 3, 4. तो बस मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव. वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी है? 1/4 इनटू कितना? अब सुनो, d/dx मतलब स्लोप. तो इस पार्टिकल का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो 3, 4 मतलब 3, 4 मतलब जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 4 है. और जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है. तो पार्टिकल की अगर वेलोसिटी निकालनी है, देखो माइनस ऑफ 1/4 इंटू स्लोप निकालना है, तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारा? 4/3. कैसे आया 4/3? y/x. तो बस y से y क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा. तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी? माइनस 1/3 मीटर पर सेकंड. इसको देखो. अब इसमें एक सवाल मेन जो बचा है वो क्या है? तो मेन सवाल बचा है डायरेक्शन. एक मिनट, अगर आप लोग कॉपी पेन छोड़ के ऊपर देख लेते तो मैं डायरेक्शन आपको बताता बड़ा अच्छे से. वो डायरेक्शन देखना, हमने बोला ये वेव इधर जा रही है इस डायरेक्शन में. सुनो, हमने बोला पार्टिकल को यहाँ बैठा है. देखो बच्चों, एक मिनट देखो कंक्लूजन कैसा. मैंने बोला वेव चल रही, देखो ऐसे हमने बोला ऐसे चल रही इस तरह से, तो हमने बोला आगे भी जा रही है, और सारे पार्टिकल कैसे हो रहे हैं? ऐसे वाइब्रेट भी कर रहे. देखो ऐसे वाइब्रेट करने को ऐसे जा रही है, और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं. अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं. तो यही हमको बताना है ध्यान से, कि ये वाला पार्टिकल जो है
इस पोजीशन पे ये पार्टिकल किधर जा रहा है वही हमको बताना है। क्या ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये आप कैसे बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमारे पास फॉर्मूला है कोई भी पार्टिकल कितने से जाएगा, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू कितना डिवाइड बाय डी। न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली, वेलोसिटी ऑफ वेव को रख दे कितनी आएगी 1/4 और डिवाइड बाय डी एक्स को निकाल लिया। आप डायरेक्शन कैसे निकालें, देखो डिवाइड बाय डी एक्स को स्लोप कहते हैं। अब थोड़ी सी पुरानी कहानी उठाओ, किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट का आप टेंजेंट बना दो, फिर स्लोप पॉजिटिव होगा कैसे देखते हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट है तो पता नहीं, अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जो नहीं जानते विचार करना। और सेकंड और फोर्थ में तो अब आप विचार करो इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर बनेगी, ऐसी बनेगी। क्या बोलते बच्चों, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओ तो ऐसी बनेगी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। क्या बोलते हो, तो ध्यान से देखना। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगी देखो वो क्या होगी, माइनस ऑफ ये क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव, वैल्यू कितनी है 1/4। डायरेक्शन किधर है वेव वेलोसिटी, कैसे देखी ओमेगा टी माइनस के एक्स, बीच में माइनस लिखा मतलब किधर है पॉजिटिव है, तो उसको कैसे देखेंगे। देखो ऐसे देखना बच्चों, तो ये जो वेव है ये इधर जा रही है, इधर देखो इधर जा रही, मतलब वेव जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही, हमको बताना है ये पार्टिकल किधर जा रहा है। तो उन परिस्थिति देख लो, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव किधर है प्लस, ध्यान से देखना माइनस फॉर्मूले का वेव की वेलोसिटी का क्या आ गया प्लस आ गया इनटू डिवाइड बाय डी स्लोप, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है नेगेटिव है, तो ये स्लोप आ गया माइनस आ गया। तो डायरेक्शन क्या बने देखो, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना होगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो वो जो पार्टिकल है वो किधर जाएगा आपका पॉजिटिव, और वाइब्रेट ऐसा करेगा तो वो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इधर जा रहा होगा ऊपर, ये हमारे पार्टिकल की डायरेक्शन है प्लस माइनस। इसको देख लो कैसे सेट करी, एक बार अच्छे से देखो फिर और बताता हूँ। पहले इसको देखो बराबर, क्या बोला मैंने वेव जाती आगे तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं ऐसे, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे होंगे इस फॉर्मूले से देखो, नेगेटिव ऑफ वेव इनटू उस पॉइंट का स्लोप, तो उससे आपको पार्टिकल का वाइब्रेशन मिल जाएगा। फटाफट लिखो फिर एक क्वेश्चन और दे लो, ठंडा पानी है क्या, ठंडा है पानी, अगर ठंडा नहीं हो वो करना बेस्ट डिपार्टमेंट वो पानी पिलो, ठंडे वाले करो। देखो क्या, चलो लिख लिया बेटा हाँ बेटा लिख लिया बेटा, आगे देखना एक क्वेश्चन और देखो। ये जो वैल्यू पकड़ लो, ये जो है ये सिर्फ वैल्यू पकड़ लो, जो वैल्यू आई वो प्लस 1/3, अब वो ऊपर होगी या माइनस होगी तो वो ऐसे डिसाइड करना जो बताया ये तरीके से। अब सुनो एक और ले रहा हूँ, एक और बताना, कोई वेव की इक्वेशन सुनो, ये सुनो ना, the equation of a wave is given by this, following are the few particles on the wave, इस वेव पे कुछ पार्टिकल है बच्चों, ध्यान से देखना, देखें ध्यान से देखो इस वेव पे कुछ पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है ए, दूसरा पार्टिकल है ये बी, और तीसरा पार्टिकल है सी, बनाओ। following are the few particles, following are the few particles on the wave, in which direction the particles are vibrating, ऐसा प्रश्न आएगा। ये जो पार्टिकल आपको सामने देख रहे हैं ये कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं आपको ये बताना है। देखो बराबर इसको
अब आप बनाओ वेव किधर जा रही है? कैसे देखा? बीच में पॉजिटिव एक्स है तो ओमेगा टी, तो एक्स से मतलब एक्स में पॉजिटिव है फिर उल्टा चलता है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स से मतलब वेव किधर जा रही है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिखनी है तो बनाओ, आप लोग बनाओ वेव किधर जा रही है बच्चों? इधर ये वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, देखना जरा इधर फॉर्मूला रिकॉल कर लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, तीनों का साइन देख लो। क्यों बच्चों? ए वाले में स्लोप तुम्हें कैसा आ रहा है? ए वाले में स्लोप की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ए वाले पे पॉजिटिव है। और सपोज देख लो ए वाला ये पॉइंट है भाई, क्यों बच्चों देखा क्या? तो ए वाले पे टेंजेंट बनाओगे तो कैसी आएगी? ऐसी आएगी, बोलो ऐसी आएगी। ऐसी मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब ए वाला पार्टिकल पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। यहां देखो, देखो बच्चों ऊपर देखो एक बार देख लो, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी? ए वाले की क्या आएगी? यहाँ नेगेटिव है माइनस, बोलो वेव की वेलोसिटी किधर है? बोलो भाई वेव की वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव। और ए वाले पॉइंट का जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? समझे? तो ए की वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव इनटू नेगेटिव इनटू स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ए वाले की वेलोसिटी किधर आएगी? पॉजिटिव। अगर वेव एक्स में जा रही तो पार्टिकल किधर जाएंगे? वाई में जाएंगे। तो ए वाले की वेलोसिटी प्लस वाई में होगी, देखो मतलब इधर। अब बाकी दो आप बनाओ, तो ए वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। बोलो भाई ऐसा बी वाला बनाओ, बी वाला किधर जा रहा होगा फटाफट? हाँ बी वाला बनाओ किधर जा रहा होगा जल्दी? बी वाला नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। वैसे भी ऑफिस बनाया मैंने,
कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, तीनों लिख लो, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। फार्मूला, फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखो। पहला फॉर्मूला है फाइ इज इक्वल टू ओमेगा के लिखते ना अपन, तो उसको लिखो डेल्टा फाइ इज इक्वल टू ओमेगा इनटू डेल्टा टी। डेल्टा फाइ को हम लिखते हैं फेज डिफरेंस, लिखो बराबर फेज डिफरेंस करो, क्या बोलते हैं हिंदी में, कालांतर, 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 फेज डिफरेंस को लिखते हैं कालांतर। टाइम डिफरेंस को लिखते हैं समय अंतर, टाइम डिफरेंस को लिखते हैं समय अंतर। डेल्टा टी स्मॉल टाइम डिफरेंस, और कैपिटल टी को कहते हैं टाइम पीरियड। ये रिलेशन हो गया इसके बीच फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच। दूसरा रिलेशन ये होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के इनटू डेल्टा एक्स, इसको लिखना, के को क्या लिखा था, टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला हो गया फेज डिफरेंस, फेज कालांतर एवं पथ अंतर, पथ, पाथ डिफरेंस, पाथ मींस पथ, पथ अंतर एवं कालांतर के मध्य सहसंबंध, पथ अंतर एवं कालांतर के मध्य संबंध नहीं है, ये सहसंबंध है, सो इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन देम। क्यों भाई, सही है, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ को कहते हैं तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई। नहीं आएगा समझ में, एक मेरे दोस्त को बोला था मराठी में बात करते, तो मैंने गूगल टाइपिंग खोली, दे रख रख के मराठी, इंग्लिश को मराठी कन्वर्ट किया, इधर से मैं लिखू इंग्लिश, उधर से जाए मराठी कौन सन, आधे घंटे में तो वो हाथ जोड़ में क्या लिख रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, तो मराठी मराठी करता बहुत, मराठी में इंग्लिश टू मराठी में कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, उसको लिखो तो वो कन्वर्ट, इतनी कट्टर मराठी में कन्वर्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा है तो कोई बहुत कट्टर मराठी आदमी होगा ना, पर देखो अच्छे से याद करो तो नहीं भूलते, मैं तो नहीं भूला, चार पांच साल हो गए सर मराठी में मराठी हम पहले पहले बंदों में कड़ा राजा
सर अंधों में काला चाहिए। तो हम लोग कभी गए कहीं घूमने उमने, मैं शौक रह गया, इधर हम लोग राजस्थान में घूमने गए तो कोई मराठी मिला होगा तो वो तो बोल लग गए कुछ तो भी अपना आप जाकर मैं कहा मुझे बोले मेरा भाई तो मराठी बोल रहे हैं मैं तो इम्प्रेस हो गया मैंने सबको आ गई मराठी। फिर एक दो बार ये कुमुदिनी के सामने बोले कुछ भी मैंने क्यों सही बोल रहे हैं क्या अरे वो कुछ तो बोल रहा हूँ कुछ भी बोल रहे अच्छा मैंने कहा मतलब हम चुप किए थे बस एक महीने में मराठी बोलूंगा मैं काफी काम कर रहा हूँ उस पर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और सिखाया जिसको सिखाना चाहिए वो भी एंट्री की है मेरी मम्मी बताऊँ क्या बोलते हैं मराठियों को लेके मेरी मम्मी जब मैं पहली बार महाराष्ट्र आया था मतलब मेरी मम्मी मुझे क्या सलाह देके भेजी होगी मतलब अपन देखते हैं कि चलो ध्यान रखना बेटा अपना ये करना नहीं तो वैसे बेटा कोई मराठी मत पटा लेना मैं शादी नहीं करवाऊँ मराठी लड़की से मतलब ऐसा क्यों बोले मराठी लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं मुझे तो अच्छी लगती मराठी लड़कियाँ बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज होना चाहिए ताकि कम से कम झगड़ा हो तो वो गाली बच सके अपने देखो तो हमारे पास तीन अंतर है तीन डिफरेंस है एक है फेस डिफरेंस सुनो एक है टाइम डिफरेंस और एक है पाथ डिफरेंस ये आया भी यहीं से कभी बाय चांस भूल जाओ सुनो ना बाय चांस भूल जाओ तो यहाँ से उठा लो कभी कभी भूल जाते हैं कौन सा फॉर्मूला किसका है तो यहाँ से उठा लो देखो तो इस ओमेगा टी को भी फाइव लिख दो और इस के एक्स को भी फाइव लिख दो फाइव मतलब फेज डिफरेंस तो ये बन जाएगा फाइव इज इक्वल टू कितना ओमेगा टी तो ये रिलेशन किसके बीच बन गया फाइव मतलब फेज डिफरेंस तो ये रिलेशन बन जाएगा फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस और ये रिलेशन बन जाएगा फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस इसको देख लो इस पे से क्वेश्चन करने भी याद कर लिया याद कैसे कर रहे हैं 5 is equal to omega t 5 is equal to kx क्वेश्चन में सीधी सीधी वैल्यू आएगी पी वाई क्यू क्वेश्चन है आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना लिखो क्वेश्चन फटाफट द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय दिस द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय दिस इसमें लिखना फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर 0.2 मीटर ये पहला क्वेश्चन इसमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट फॉर विच द टाइम For which the time difference is 0.6 second. For which the time difference is 0.6 second. For which the time difference is 0.6 second. निकाल लिया चलो अब सुनो क्वेश्चन कैसा है सबसे पहले क्वेश्चन देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला दिया पहले पढ़ो उसने क्या बोला है फाइंड द फेस डिफरेंस और आगे क्या दिया है किन दो पॉइंट के बीच फेस डिफरेंस निकालना है सेपरेटेड बाय 0.2 तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे टाइम डिफरेंस वाला कि ये वाला देखो ये वाला तो ये रिलेशन किसके बीच हो गया फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पाथ मतलब डिस्टेंस तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कितना 2 पाई बाय लैम्डा इनटू कितना डेल्टा एक्स अब ये वैल्यू कहां से मिलेगी बोलो ऊपर देख लो तो ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू भाई इक्वेशन क्या है तो a sin ये वैल्यू किसकी है ओमेगा t माइनस ये वैल्यू किसकी है k तो 2 पाई बाय लैम्डा मतलब वही पूरी वैल्यू किसकी होगी k की होगी तो फेज डिफरेंस कितना मिल जाएगा यहां से देखो
टू पाई बाय लैम्डा कितना है? 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। और डेल्टा एक्स मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.2 मीटर। तो फेज डिफरेंस जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 0.5 बन जाएगा। देखो, और अगला फेज डिफरेंस बराबर कितना? 2 पाई बाय t इनटू कितना टाइम डिफरेंस। ये वैल्यू कहां से आएगी? ओमेगा। 2 पाई बाय t, ये पूरी वैल्यू किसकी है? ओमेगा की। और टाइम डिफरेंस कितना दिया? 0.3। सीधा सीधा प्रश्न आएगा तो ये आ जाएगा कितना हमारा? पाई बाय 2 इनटू कितना? 0.6 चलेगा। हां तो ये कितना बच जाएगा हमारा? 0.3। देखो इसको, तो सीधा सीधा एक तो प्रश्न आपको बुक में मिलने के बाद डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस पूछा है तो ये वाला फार्मूला, अगर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस पूछा है ये वाला। पार्ट डिफरेंस दिया ये कैसे पता चलेगा? तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब पार्ट डिफरेंस, टाइम मतलब टाइम। ठीक है, चलो इसको लिखो। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा वो फेज डिफरेंस पे, वो कैसा आएगा इसको लिखिए। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा होगा देखना। अच्छा लिखो, टू वेव्स गिवन बाय पहली ये सुनिए, मैं इसको आगे ऐड कर दूं। दूसरा लिखना क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ये दूसरा लिखना, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तीसरा लिखना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। Find the ratio of their wavelength. Chautha hai kina, plot these two waves. Sahi sahi? Chal. Bolo bhai, plot these two waves. Ab isme jo naya concept seekhna hai, sabse pehle wo likhe na, highlight kar lena, intensity of wave. इसमें लिखो, समझो नई बात है, नई बात को लिखना। कोई भी वेव की इंटेंसिटी क्या होती है इसको लिखना, प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। लिखो, कोई भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड ए इज द एम्पलीट्यूड। हाँ बच्चों, चलो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? उनकी इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। अब सुनो, आप लोग अभी तक क्या सीखे? इधर देखो, ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है, क्या क्या सीख पता चल रहा है? किस वेव की फ्रीक्वेंसी पहले बारे की लास्ट सीख लो, फ्रीक्वेंसी किससे निकालोगे? ओमेगा से। तो पहली वाली वेव का ओमेगा कितना है भाई? 2 पाई। ओमेगा क्या लिख देंगे? 2 पाई f1 बराबर कितना? 2 पाई। पर ये आएगा तो पहली वेव की फ्रीक्वेंसी 1। बोलो पहली वाली वेव की वेवलेंथ, बोलो भाई वेवलेंथ किससे निकालोगे? k से। तो जो k की वैल्यू है वो कितनी है? पाई बाय 4। तो k बराबर पाई बाय 4। बोलो k को क्या लिख दें?
तो पाई बाय लैम्डा बराबर कितना, पाई बाय 4, पाई से पाई क्या हो कैंसिल, तो पहले वाले वेव का लैम्डा कितना आ जाएगा 8, देखो कैसा आएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरे वाले वेव की फ्रीक्वेंसी बोलो 1/2 ओमेगा बराबर पाई, तो पाई f2 लिख दूं, देखो चलना सही कर रहे। दूसरे वाले वेव का ओमेगा कितना है पाई, पाई को लिख दिया 2/f2, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो दूसरे वाले वेव की फ्रीक्वेंसी 1/2। बोलो दूसरे वाले वेव की वेवलेंथ, दूसरे वाले वेव का कितना है 2π, किसको क्या लिख दोगे 2π / लैम्डा 2 बराबर कितना 2π, तो 2π से 2π कैंसिल, तो लैम्डा 2 1 हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो कम से कम फ्रीक्वेंट होना चाहिए आपको निकालते। जैसे कोई वेव देखी, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डायरेक्शन, कम से कम ये चार चीज को बेसिक सभी को निकालना आना चाहिए। अब बच्चों एक सेकंड में कॉपी पेन छोड़ के ऊपर देख लो ध्यान से एक बार, मैंने बोला ये मेरे पास एक वेव है, मैंने बोला ये मेरे पास दूसरी वेव है, मुझे इन दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। यहां से देखो हमने क्या बोला, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आप मुझे बताओ क्या दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, इसकी कितनी है 1/2, और बताओ क्या इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका कितना ऊपर वाले का 10 है और इसका कितना है 5, तो अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी लिखोगे i1 / i2 देखना, तो वो क्या हो जाएगा f1² / f2² और a1² / a2² रख दो वैल्यू फटाफट जल्दी जल्दी करो, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकाल लो, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालो, जल्दी करो भाई। मतलब
बट अगर ऐसा बोले a sin omega t minus kx plus phi, plus phi मतलब वहां पर कुछ इनिशियल एंगल भी आएगा, तो यहां पर देखो बच्चों यहां पर इनिशियल एंगल है। अब बोलो इसका तो y by 6 हो गया, इसका क्या है? अब फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं, cos की इक्वेशन थोड़ी ना होती अपने पास, वो ये गलत, हमारे पास वेव की इक्वेशन क्या है, a sin omega t minus kx, अगर cos में दिया उसको sin में कन्वर्ट करो, तो cos को sin में कन्वर्ट कैसे करते हैं, y by 2 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा फिर, sin बोलो कितना, pi t plus 2πx, but cos में थी ना, तो plus किसको ऐड करना पड़ेगा हमें, देखो अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, दो इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए सुनो ऊपर, दोनों इक्वेशन सेम होना चाहिए, तो ये भी साइन में होना चाहिए और ये भी साइन में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे वाली कॉस में दी थी, तो उस कॉस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अगर उस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको पढ़ो फिर, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ये साथ में क्या हमारा, इसको देखो ये वेव कौन से डायरेक्शन जा रही, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये वाली किस में जा रही, पॉजिटिव एक्स, इसका इनिशियल फेस कितना है, फेस मतलब लाइन है, तो इसका एंगल पाई बाय 6 है, इसका एंगल पाई बाय 2 है, तो फेस डिफरेंस लिखने का दूसरा तरीका ये हो गया कि मॉड में दोनों के फेस को माइनस कर दो, तो उसका फेस हमारा है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा, लिख लो ये हमारे दोनों वेव्स का फेस डिफरेंस है। अरे यार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 11 में दूंगा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, चक्कर आ जाएंगे इसके पहले कुछ खा लो भाई, हमने साइन कन्वर्ट किया ना उसी फेज डिफरेंस के हमने मल्टीप्लाई किया, तो पाई बाय टी और 2 पाई बाय एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो जो है कॉस थीटा है उस पूरे थीटा और पाई बाय टू जोड़ दो, समझे क्या, खाना खाने चार बार गया जल्दी क्या छोड़ दो यार, कल मैं खाना खा कर आपने कॉल की, बारह घंटे की अवस्थी में ये भूखा रहने पूरे भूखा, बारह घंटे पूरा भूखा, एक मतलब जरा सा कुछ नहीं, 15 घंटे तो मैं और रह सकता हूँ कैसे, शुरू शुरू पढ़ने लगा पढ़ाने में इतना इल्ला था मेरे अंदर शुरू शुरू में, क्योंकि कुछ बनना था, मैं खाना वाना खाना भूल जाता था भाई, जैसे 11 बजे लेक्चर लेने घुसे, बहुत लेक्चर लगे थे, तो डायरेक्ट रात में 8:30 बजे कोई ब्रेक नहीं, 11:30 बजे घुसे तो बस इधर निकले इधर बाहर आए, इधर निकले इधर बाहर आए, इधर निकले इधर बाहर आए, और घड़ी देखी तो फिर 8:30 बजे रात की, थकता ही ना, पूरा दिमाग में दिन भर वही चलता रहता था, घर जाके वही चलता था, क्या एग्जाम्पल दूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या बताना है, कौन से बच्चे को क्या समझ में आएगा, और एग्जाम्पल लो और एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, दिन भर में वही सोचते रहता था, थकना वकना सब भूल गए, खाना वाना सब, अब वो दिन सब खत्म हो गए, नहीं बैठे। अब इसमें इस वेव को अगर हम लोग को ड्रॉ करनी है तो इस वेव को ड्रॉ कैसे करें, देखो ड्रॉ भी करना आना चाहिए और ड्रॉ करना सीखो, तो ड्रॉ कैसे करें, देखो पहली वाली क्या है, 10 sin हमने क्या बोला इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 1 hertz, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1/2, अगर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, कैसे प्रॉपर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1/2, तो इसका टाइम पीरियड भी कितना होगा, 1 second, बोलो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक चक्कर, तो एक वेव को पूरा एक चक्कर करने में जो समय लगेगा वही क्या है, टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड 1 second, बोलो इस वेव की वेवलेंथ कितनी आएगी, देखो 8 आएगी वेवलेंथ, 8 वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, एक पूरे वेव की लंबाई, तो ये जो वेव ऊपर देखो भाई ये जो वेव देख रहे हो इस वेव की लंबाई 8 है, इस वेव का टाइम पीरियड कितना है, 1 second है, और एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो इसको प्लॉट कैसे करें, देखो बच्चों उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन,
हाँ और बताओ ये वेव जा किधर रही? पॉजिटिव एक्स, क्योंकि बीच में कैसा है नेगेटिव एक्स, देखो उस वेव को कैसे बनाएंगे। अच्छा देखो ये बना दी वेव, ये वेव जा रही है बच्चों देखो किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी जा रही है ये बताओ, वेव की वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा बाय की या एफ इनटू लैम्डा? तो डायरेक्ट कर दूं क्या, एफ इनटू लैम्डा, तो वेलोसिटी और वेव कितनी है, 8 इनटू 1 दैट इज कितना, 8 मीटर पर सेकंड। देखो इससे पूरी कहानी दिख जाएगी। तो ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है कितने से, 8 मीटर पर सेकंड। अब बोलो ये वैल्यू क्या होती है, यही वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये जो वेव का एम्पलीट्यूड कितना आपका प्लस 10 और नीचे कितना होगा माइनस 10। बोलो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर होगी, और ये जो टाइम होगा ये तो टाइम पीरियड, ये जो टाइम होगा ये 1 सेकंड, ये टाइम किसके बराबर होगा बोलो, ये पूरा टाइम अगर टाइम पीरियड है तो ये किसके बराबर होगा, टी बाई टू, टी बाई टू मतलब कितना 0.5 सेकंड। ये मतलब देखो ये t by 2 और ये t by 2 का तो ये कितना होगा 0.25 और ये कितना होगा 0.5। तो ये कहते हैं वेव की इक्वेशन से वेव को ड्रॉ करना भी हम लोगों को आना चाहिए। इसको बनाओ फटाफट, पानी पिलाओ, पानी स्प्रे करो सर, ढोकला खाओ, खाओ ना सब खाऊंगा उसको। पढ़ाना मेरा वैसे भी पैशन कभी भी नहीं रहा, पढ़ाना मेरा वैसे भी कभी शौक नहीं रहा, कभी इच्छा से नहीं पढ़ा। आप तो मुझसे मोटिवेशन लो कि बिना इच्छा के भी आदमी काम दिल से कर सकता है। तुम लोग की पढ़ने की इच्छा नहीं होती बहुत बार, मजो नहीं पढ़ना पड़ता है तुम्हारी, तो कभी कभी नहीं होती होगी, मेरी तो कभी पढ़ाने की नहीं होती, हमारी रोज पढ़ने की इच्छा मेरी कभी भी नहीं होती पढ़ाने। मैं घर से जब तक वो गाड़ी पे लॉक कर दो जब तक ऐसा लगता है यार कुछ नहीं हो, कितना मजा है, पैसा भी कभी मिलता है। हाँ तो बस ये पकड़ लो कि जब पढ़ाना तो है ही सही क्लास में और पैसा भी कमाना है, अच्छा पढ़ूंगा तो अच्छा टीचर बनूंगा, अच्छा टीचर बनूंगा तो ज्यादा मोटा पैसा लूंगा। तो उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा क्यों बेटा, और जब करना ही काम तो फिर थोड़ा डूब के कर लो, शादी कर